केदारनाथ धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भक्त लोग जाते हैं, कामना करते हैं कि जीवन सफल रहे, लेकिन इस दौरान कई मृत्यु हुई है। इंसानों की नहीं, उन खच्चरों की जिन पर लाद कर श्रद्धालुओं को केदारनाथ मंदिर तक पहुँचाया जाता है। कहा जा रहा है कि 2 साल से जिस तरह से कोविड की सिचुएशन थी, इस साल टूरिस्ट और भक्त लोग बहुत ज़्यादा और भारी मात्रा में केदारनाथ में पहुँचे हैं। आंकड़े कहते हैं कि वीकेंड्स पर डे 30,000 से 50,000 लोग वहां पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स की कमी हो जा रही है, इसीलिए अब खच्चर ही अवेलेबल है। तो खच्चर और घोड़े वाले लालच के कारण 3-3 चक्कर इन खच्चरों के लगवाते हैं। इधर खाने का अभाव और 3-3 चक्कर, यही कारण है कि खच्चर मर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, खच्चरों के मरने के बाद उन्हें डिस्पोज करने की भी सही व्यवस्था नहीं है। वहां से गुजरने वाली मंदाकिनी नदी में इन खच्चरों को फेंका जा रहा है, जिससे नदी भी दूषित हो रही है और नदी में पानी में जो है जहर फैल सकता है। अथॉरिटीज़ को अब इस मामले में सतर्क होना चाहिए और सिचुएशन को संभालना चाहिए। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ही 100 से ज़्यादा खच्चरों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई श्रद्धालु भी हैं जिनकी हालत खराब हुई है। पिछले कुछ महीनों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में से 82 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो जहां एक तरफ लोग सफल जीवन और अच्छी जिंदगी मांगने जा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के साथ इस तरह के हादसे भी हो रहे हैं।